नमस्कार दोस्तों, आज लिमिटेशन एक्ट के पार्ट को आगे बढ़ाते हुए हम सेक्शन 27 के बारे में रीड करेंगे। सेक्शन 27 को जानने से पहले इन टर्म्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सेक्शन 27 क्या है? एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति पर जो अधिकार है उसका निर्वापित होना, एक्सटिंग्विश होना, समाप्त होना। तो सबसे पहले लिमिटेशन में इससे पहले भी पढ़ चुके हैं हमने, टर्म क्या पढ़ी थी? इंटरेस्ट रिपब्लिका अट सिट फिनिस लिटियम, फिनिस लिटम। तो अर्थात कि राज्य का हित किस में है, राज्य का इंटरेस्ट किस में है कि मुकदमेबाजी का अंत हो, जो भी वाद है उनका अंत हो, उनका निवारण हो। इसीलिए यही प्रयोजन, मेन मुख्य प्रयोजन या उद्देश्य, पर्पज यही है लिमिटेशन एक्ट का, मुकदमेबाजी का अंत हो। इसीलिए एक प्रॉपर लिमिटेशन तय किए, इतने लिमिटेशन के अंदर आप सूट कर दीजिए, नहीं तो आपकी रेमेडी कोर्ट से, आप रेमेडी नहीं ले सकते, रेमेडी समाप्त हो जाएगी, राइट बने रहेंगे। और सेकंड बात ये कह रहा है लेटिन मैक्सिम, सेकंड लेटिन मैक्सिम, विजिलेंटिबस नॉन डोरमेंटिबस जूरा सब वेनिएंट, यानी कि जो लो है वो जागरूक व्यक्ति की मदद करता है, सोए हुए की नहीं। जो अपने अधिकारों के प्रति सोए रहते हैं उनकी मदद नहीं करता। इसीलिए लिमिटेशन की, आपको कोर्ट के अंदर आना है तो लिमिटेशन पीरियड जो भी दिया हुआ है उसके अंदर आ जाओ। अगर लिमिटेशन बार सूट हो गया तो आप कोर्ट में रेमेडी नहीं ले सकते हो। और इसी बात की पुष्टि, सेकंड की पुष्टि ये कर रहा है, डिले डिफीट जस्टिस, मतलब देरी क्या करती है, डिफीट करती है जस्टिस को, इसी बात की। और इसके बाद इन सब लेटिन मैक्सिम को पढ़ने के बाद यही है कि आप लिमिटेशन, जो भी लिमिटेशन किसी सूट का दिया गया है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट का कोई सूट है तो उसका लिमिटेशन 3 साल है, तो 3 ईयर के अंदर आपने सूट नहीं किया तो आपका क्या होगा, रेमेडी समाप्त होगी, कोर्ट आपको कोई रेमेडी नहीं देगी, क्योंकि आप अपने अधिकारों के प्रति सोते रहे। और राज्य का हित किस में है, मुकदमेबाजी का अंत। तो ऐसे नहीं कि पेंडिंग पड़े रहें कि सौ सौ साल तक, इन्हीं सब की पुष्टि ये कह रहा है कि कोर्ट कोई रेमेडी, या लिमिटेशन के बाद आते हो तो कोर्ट कोई रेमेडी नहीं देगा, कोर्ट रेमेडी नहीं देगा, लेकिन उसका राइट बना रहेगा। इसी चीज को हम समझेंगे, सेक्शन 27 इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है। सेक्शन 27 एक ही सेक्शन ऐसा है लिमिटेशन एक्ट का जो कि इसका अपवाद है। वहां पे रेमेडी भी समाप्त, रेमेडी भी नहीं देगा कोर्ट, और राइट भी समाप्त हो जाते हैं। और सबसे पहले ये बात किस केस में कही, तो बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में ये रेमेडी वाली बात कही कि अधिकार, रेमेडी समाप्त हो जाती है, कोर्ट से कोई रेमेडी नहीं ली जा सकती, लेकिन राइट समाप्त नहीं होते। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है, सेक्शन 27, जिसको अब रीड करेंगे। 27 पे जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज को एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि अपन पहले पढ़ चुके हैं कि रेमेडी समाप्त हो जाती है, लिमिटेशन बार्ड होने के बाद रेमेडी समाप्त हो जाती है, लेकिन राइट बना रहता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सुरेंद्र नाम का एक पर्सन था जिसने पीएनबी बैंक से लोन लिया। और सुरेंद्र ने पीएनबी बैंक को मना कर दिया लोन चुकाने से, लेकिन किसी कारण, परिस्थितियों वश पीएनबी बैंक कोर्ट में लिमिटेशन पीरियड में सूट फाइल नहीं कर सका कोर्ट में, तो लिमिटेशन बार्ड हो गया सूट। तो पीएनबी ने सुरेंद्र को स्यू नहीं किया और लिमिटेशन बार हो गया, अब वो सूट कर भी नहीं सकता, परिसीमा के बाहर हो गया। तो वो कोर्ट से, कोई पीएनबी बैंक कोर्ट से रेमेडी नहीं ले सकता। लेकिन पीएनबी बैंक ने क्या किया, सुरेंद्र का जो सेविंग अकाउंट चल रहा था, सेविंग अकाउंट पीएनबी बैंक में जो चल रहा था, उससे जो भी उसकी लोन की रकम थी वो काट ली। सुरेंद्र गया कोर्ट में, रकम काटी है तो सुरेंद्र तो जा ही सकता है, क्योंकि उसकी लिमिटेशन तो कॉज ऑफ एक्शन जिस दिन रकम काटी उस दिन से शुरू हुआ। तो सुरेंद्र कोर्ट में गया कि जब पीएनबी बैंक जो मेरे में लोन की रकम मांग रहे थे, जब वो समय समय ही पूरा हो गया, लिमिटेशन ही बाहर हो गया सूट, तो वो मेरी रकम, वो मेरे सेविंग अकाउंट से रकम कैसे काट सकते हैं। तो सुरेंद्र ने सूट फाइल किया। तो कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, कोर्ट ने कहा कि ठीक है, पीएनबी बैंक लिमिटेशन पीरियड में
नहीं आया तो हम उसको कोई रेमेडी नहीं दे सकते, वो कोर्ट से रेमेडी वार्ड होगी, लेकिन उसके अधिकार राइट्स तो बने हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पीएनबी बैंक के राइट्स बने हुए हैं, तो पीएनबी बैंक उसके सेविंग अकाउंट से अपनी रकम वसूल सकता है, क्योंकि उसके राइट्स बने हुए हैं, तो कोर्ट ने पीएनबी बैंक के पक्ष में फैसला दिया। अतः इससे क्या पता लगता है कि आपके अगर लिमिटेशन बार्ड भी हो जाता है तो रेमेडी कोर्ट नहीं दिलाएगा, लेकिन राइट बने रहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के केस में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया था, शायद केस का पूरा नाम मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन ये सुरेंद्र वर्सेस पीएनबी करके सर्च करोगे तो मिल जाएगा। आफ्टर देन उपरोक्त जो भी बातें हमने पढ़ी उसका अपवाद क्या है, एक्सेप्शन है सेक्शन 27, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। ये एक लिमिटेशन का ऐसा सेक्शन है जहां राइट भी समाप्त हो जाएंगे, रेमेडी भी समाप्त हो जाएगी। कैसे समाप्त होगी, आर्टिकल 64 और 65 के साथ पढ़ेंगे इसको। आर्टिकल 64 क्या कहता है, प्रीवियस पजेशन होना चाहिए, लेकिन टाइटल नहीं होना चाहिए। बिना टाइटल, टाइटल नहीं है किसी व्यक्ति का, उसका उसका प्रीवियस पजेशन है, तो उसको बेकब्जा कर दिया उससे, उसको बेकब्जा किया, उसको बार किया है उससे, पजेशन डिसपजेस किया है उससे, कब तक लिमिटेशन होगा, 12 साल। और ये भी 12 साल है, 65 में भी, आर्टिकल 65 में भी। तो ये टाइटल के आधार पे कोई रह रहा है, ध्यान में था, जो कि आर्टिकल 64 में कवर नहीं होता, टाइटल के आधार पे, अन्यथा उस आधार पे। तो इसमें ये कहा है, जैसे भी जैसे ही डिफेंडेंट है उसका एडवर्स हो जाएगा प्लेंटिफ के, जैसे ही पोजेशन एडवर्स हो जाएगा, उससे लिमिटेशन कितनी, 12 ईयर। तो ये 12 ईयर जो लिमिटेशन दी गई है, जब भी एडवर्स होता है पोजेशन या डिसपोजेस कर दिया जाता है, प्रतिकूल कब्जा होने के जो भी 12 ईयर लिमिटेशन दी गई है, उसके पश्चात जिस व्यक्ति का कब्जा है वो शांतिपूर्वक उस जगह पे रह रहा है, और प्लेंटिफ ने उसको, जैसे डिपेंडेंट का कब्जा है, ए प्लेंटिफ है, बी का कब्जा है उस जमीन पे, बी का कब्जा है, तो बी जिसका कि एडवर्स पोजेशन है, इसके प्रतिकूल कब्जा है, कब्जा कर रखा है ए की प्रॉपर्टी पे, तो प्रतिकूल कब्जा होते ही, जैसे बी का ए की प्रॉपर्टी है, बी ने प्रतिकूल कब्जा कर लिया, प्रतिकूल कब्जा होते ही लिमिटेशन 12 ईयर शुरू हो गया। तो 12 ईयर जो लिमिटेशन शुरू हुआ है, तब इसको 12 साल के अंदर ए बी के विरुद्ध ये सूट ला सकता है, इसका प्रतिकूल कब्जा है, इसको निकालो, मेरे को मेरा मकान दिलाओ। लेकिन ए अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होता, सोता रहता है, पहले लैटिन मैगजीन भी पढ़ चुके, और राज्य का हित क्या किसमें है कि मुकदमेबाजी का निवारण हो। तो 12 साल तक चले जाओ भी आप कोर्ट के अंदर, 12 साल तक ये कोर्ट के अंदर नहीं जाता है, और बी शांतिपूर्वक रूप से सतत रूप से कब्जा बनाए रखता है, और ये पजेशन में है 12 साल तक, लगातार पजेशन में है बी। और ये कब्जा कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, वैसे सॉरी लॉफुल नहीं, सॉरी ये गलत बता दिया, कब्जा लॉफुल नहीं होना चाहिए, एडवर्स पोजेशन जो बी का है लॉफुल नहीं होना चाहिए, बी इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है, इसका सतत कब्जा है, निरंतर कब्जा है, और एडवर्स पोजेशन है, और ये वास्तव में इसमें रियल में इस जमीन पे रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वैसे कागजों में दिखा दे, रियल में इस जमीन पे रहना चाहिए, और इस चीज का इसको, ए जो प्लेंटिफ है इसको पता होना चाहिए कि मेरी जमीन पे रह रहा है, लेकिन ए 12 साल तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है, तो ये पोजेशन एडवर्स पोजेशन के आधार पे अगर 13 साल 12 साल कंप्लीट हो गए, तो उसके आधार पर बी इस प्रॉपर्टी का स्वामी हो जाएगा, और ए का राइट भी समाप्त हो जाएगा, रेमेडी भी बार हो जाएगी, ना तो ए का राइट बचा रहेगा ना रेमेडी बची रहेगी। अतः ये उपरोक्त प्रोविजन का एक्सेप्शन है, ये एकमात्र ऐसा प्रोविजन है जहां राइट भी समाप्त हो रहे हैं और रेमेडी भी समाप्त हो रही है। इस केस में भी हम डिस्कस कर चुके वही बात की है, कृष्णामूर्ति वर्सेस नरसिम्हा शेट्टी 2007, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि सेक्शन 27 के अधीन अधिकार राइट्स कब समाप्त हो जाते हैं, जो लॉ ने जो भी लिमिटेशन दी है 64-65 की, उसके अंदर मानो कि प्लेंटिफ ए
नहीं जाता है, 12 ईयर के अंदर नहीं जाता है, बी का विरोध नहीं करता है, उसको पता होते हुए तो राइट बी समाप्त हो जाएगा। यही इसमें समझाया था कि यहाँ इस सिचुएशन में राइट्स भी समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो सही लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आप शेयर करोगे तो हमें हौसला मिलेगा और बनाएंगे, ऐसे नए नए कंसेप्ट क्लियर कराएंगे। बहुत से कंसेप्ट हैं दोस्तों, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं लॉ में जो बहुत से कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। आप शेयर करोगे तो हौसला मिलेगा, नहीं तो हमें भी बनाने का इतना नहीं रहता। अब आप शेयर करोगे तो हम और ज़्यादा बनाएंगे, ऐसे और ज़्यादा कंसेप्ट और चीज़ें लेके आएंगे आपके सामने। तो थैंक यू दोस्तों।